एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पत्थरबाजी तुष्टीकरण का नतीजा है, इसलिए जहां से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में बालपन भरा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस का बालपन नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे तक बालपन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बालपन अभी गया नहीं है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं से तो पत्थर निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अब कानून का राज है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हो, उसमें काई की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले हैं। एक्चुअल में क्या है कि बालपन गया नहीं है ऊपर से नीचे तक। गंगा जब गंगोत्री पर ही अगर कोई अपवित्र खोलेगी तो फिर प्रयागराज, इलाहाबाद और कानपुर में पवित्रता की गुंजाइश कहाँ से रहेगी। कांग्रेस की स्थिति कमोबेश यही है, ऊपर से ही खिलौने वाला सिस्टम है तो नीचे आए गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।